The next term hai hamare paas, if the 7th term of an AP is 1 by 9 and 9th term is 1 by 7, then find its 63rd term. Theek hai? Take a solution. 7th term humko 1 by 9 diya. 7th term means A7. A7 equals to 1 by 9. तो ए सेवन को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस सिक्स डी इक्वल्स टू वन बाय नाइन, लेट इट बी क्वेश्चन वन। एंड नाइन्थ टर्म थी वन बाय सेवन, ए नाइन इक्वल्स टू वन बाय सेवन, ए नाइन हो जाएगा आपका ए प्लस एट डी इक्वल्स टू वन बाय सेवन, लेट इट बी क्वेश्चन टू। तो इस टाइप के इक्वेशन आप कर चुके हैं, जब वन टू आपको मिल चुका है और ए और डी हमको चाहिए, तो इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपको एक वेरिएबल मिल जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन एंड टू, जब आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपको मिल जा रहा है इक्वेशन वन था ए प्लस सिक्स डी इक्वल्स टू वन बाय नाइन एंड ए प्लस एट डी इक्वल्स टू वन बाय सेवन। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन एंड टू, साइन नीचे का चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, ए कैंसिल आउट, ये हो गया सिक्स डी माइनस एट डी मीन्स माइनस टू डी इक्वल्स टू वन बाय नाइन माइनस वन बाय सेवन, तो हो गया माइनस टू डी इक्वल्स टू, इसका एलसीएम हो गया 63, नाइन सेवन जा तो सेवन माइनस सेवन नाइन जा नाइन, तो आपको मिल गया माइनस टू डी इक्वल्स टू नाइन माइनस सेवन माइनस टू, माइनस टू बाय 63, माइनस माइनस कैंसिल आउट, टू टू कैंसिल आउट, तो डी का वैल्यू आपको मिल गया वन बाय 63। अब डी का वैल्यू मिलने के बाद आप किसी भी इक्वेशन में आप डी का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको सी और ए मिल जाएगा। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन वन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन वन, अगर हम पुट करते हैं तो इक्वेशन वन था हमारा ए प्लस सिक्स डी इक्वल्स टू वन बाय नाइन, डेट इज ए प्लस सिक्स इंटू डी का वैल्यू था वन बाय 63 इक्वल्स टू वन बाय नाइन, तो हो गया ए प्लस 63 सिक्स बाय 63 इक्वल्स टू वन बाय नाइन, प्लस हो जाएगा कि माइनस हो जाएगा, तो ए इक्वल्स टू वन बाय नाइन माइनस सिक्स बाय 63 और ए इक्वल्स टू एलसीएम हो गया इसका 63, नाइन सेवन जा 63 तो ये बन गया सेवन, माइनस 63 वन जा तो सिक्स वन जा सिक्स, तो आपको ए का वैल्यू मिल गया ए इक्वल्स टू वन बाय 63। ठीक है, अब हमको मांगा था फाइंड इट्स 63rd टर्म, 63rd टर्म मीन्स ए 63 और ए 63 का वैल्यू होगा ए प्लस 63 माइनस वन या फिर 62 डी, और ए का वैल्यू हमको मिल चुका है 1 बाय 63 प्लस 62 इंटू डी, और डी का वैल्यू हमको मिला था ये 1 बाय 63, मतलब हो गया 1 बाय 63 प्लस 62 बाय 63, तो हम एलसीएम ले जाएंगे 63 का 1 प्लस 62 और ए 63 इक्वल्स टू 1 प्लस 62 हो गया 63, 63 बाय 63 विच इज इक्वल्स टू 1, सो इट इज रिक्वायर्ड आंसर, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स ऑफ एन एपी 63 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट सेवन टर्म्स। देखिए ध्यान से, पहला 7 टर्म का सम 63 दिया और उसके बाद वाला जो 7 टर्म है, मतलब 8 टर्म्स 9 टर्म्स 11 टर्म्स 10th 11th 12th 13th 14th टर्म्स का सम जो है 161 है, बोला फाइंड द 28th टर्म्स। ठीक है, सीबीएसई 2014 क्वेश्चन, देखिए ध्यान से सॉल्यूशन, सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स मीन्स एस सेवन, सेवन का वैल्यू आपको दे दिया 63 और एस सेवन का फॉर्मूला, अगर एस एन का फॉर्मूला पुट कर दें तो एन बाई टू मीन्स सेवन बाई टू इंटू टू ए प्लस सेवन माइनस वन या फिर सिक्स डी, सिक्स डी इक्वल टू मिल गया 63 या फिर 2a प्लस 6d। देखिए 7 ये 2 इधर डिवाइड होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड हो जाएगा, तो बन गया 7 वन जा 7 नाइन जा, तो आपको मिल गया 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 18, लेट इट बी इक्वेशन 1। अब आगे बोला था सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161, नेक्स्ट 7 टर्म्स मतलब क्या कि सिर्फ आठवां टर्म नौवां टर्म दसवां टर्म ग्यारह बारह तेरह चौदहवां टर्म का सम है, तो अगर एस 14 से सम ऑफ पहला 14 टर्म्स का और बाद पहला 7 टर्म्स का, देखिए सम को माइनस कर दें अगर आप, पहला सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स मतलब एक से लेके 14 टर्म है, उसमें पहला 7 टर्म आप माइनस कर दिए तो बचा क्या आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां बारहवां, तो का सम है आपका
161। अब एस सेवन का तो वैल्यू हमको मिल चुका था, सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स इज 63। तो क्या है, मैं लिख सकता हूँ एस 14 माइनस 63 इक्वल्स टू 161, क्योंकि एस सेवन का वैल्यू दिया मुझको 63। ये माइनस हो जाएगा कि प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एस 14 इक्वल्स टू 161 प्लस 63, या फिर एस 14 इक्वल्स टू 4 × 12 224। तो एस 14 का वैल्यू 224 मिल गया। अब एस 20 का 224, एस 14 का 224 का मतलब हो गया 14 टर्म्स, मीन्स 14 बाई 2 इंटू 2a प्लस 14 माइनस 1 हो गया 13, तो बन गया 13d इक्वल्स टू 224, या फिर 2a प्लस 13d इक्वल्स टू 224। देखिए डिवाइड होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अरे मल्टीप्लाई होते जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। 2 × 1 = 2, 7 × 7 = 7, 7 × 3 = 21, 7 × 2 = 32। तो आपको मिल गया 2a प्लस 13d इक्वल्स टू 32, रिलेटेड टू इक्वेशन 2। अब आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बाई एलिमिनेशन मेथड, सब्सटीट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिस मेथड में आप बेटर फील करते हैं, और ए और डी का भी निकालना। मैं एलिमिनेशन कर जा रहा हूँ, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों में ए का कोएफिशिएंट सेम है, देखिए 2 2 सेम साइन है, इसलिए मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन वन एंड टू, अगर हम सबट्रैक्ट करते हैं दोनों को, तो ये मिल गया 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 18, और दूसरा हो गया 2a प्लस 13d इक्वल्स टू 32। सबट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस, प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल आउट, 6d माइनस 13d बन गया माइनस 7d, ठीक है, इक्वल टू ये बन गया 32 माइनस 18 हो गया माइनस 14, माइनस माइनस कैंसिल आउट, d का वैल्यू आपको मिल गया 2। वंस आप डी का वैल्यू मिल पा गया, तो आप किसी इक्वेशन में पुट करके ए निकाल लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन वन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन वन, और वन इक्वेशन था आपका 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 18, या फिर 2a प्लस 6 इन डी का वैल्यू 2 है इक्वल्स टू 18, तो 2a प्लस 6 2 = 12 इक्वल्स टू 18, या फिर 2a का वैल्यू आपको मिल गया 6, सो देयरफॉर ए का वैल्यू मिल गया 3। तो वंस आपको ए और डी मिल जाता है, आप जो भी आपको टर्म बोला निकाल सकते हैं। बोला था यहाँ पे फाइंड आउट 28 टर्म्स मीन्स ए 28 होगा ए प्लस 27d, या फिर ए का वैल्यू 3 मिल चुका, 3 प्लस 27 इंटू डी का वैल्यू आपको मिल चुका 2, तो हो गया 3 प्लस 54, या फिर 57। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 30। इफ द 25th टर्म इज 3 टाइम्स द इट्स 8 टर्म, फाइंड द ए पी। देखिए बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को जब सम ऑफ फिफ्थ टर्म ऑफ नाइन्थ टर्म बोला जाता है। देखिए समझिए, सिर्फ दोनों टर्म का सम बोला है, आप एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगाएंगे, फिफ्थ टर्म और नाइन्थ टर्म को जोड़ेंगे तो 30 मिलने वाला है, ये चीज़ को समझिए। क्वेश्चन फर्स्ट नहीं बोला कहीं पर, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड नाइन्थ टर्म्स, ऐसे नहीं, पर्टिकुलर फिफ्थ टर्म और नाइन्थ टर्म का सम बोला है, ठीक है। तो सोल्यूशन देखिए, फिफ्थ टर्म और नाइन्थ टर्म का सम आपको 30 दिया, तो फिफ्थ टर्म मतलब आप क्या होगा ए 5 और नाइन्थ टर्म्स मतलब होगा ए 9, जैसे आप वैल्यू दे दिया 30। अब ए 5 का हम फॉर्मूला पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस 40 प्लस नाइन्थ टर्म्स बन जाएगा आपका ए प्लस 80 इक्वल टू बन गया 30। नाउ ए प्लस ए बन गया 2a, 2a प्लस 12d इक्वल टू बन गया 30, ठीक है। दोनों टर्म में 2 कॉमन दिख रहा हूँ, मुझको 2 कॉमन ले जा रहा हूँ, 2 कॉमन ले गया अगर तो मिला a प्लस 6d इक्वल टू 30, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आपको मिल गया a प्लस 6d इक्वल टू 15, रिलेटेड टू इक्वेशन 1। अब आगे देखते हैं डाटा क्या बोला था, कि 25th टर्म जो है वो 3 टाइम्स ऑफ 8 टर्म थे, तो 25th टर्म्स मीन्स a 25 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 8 टर्म्स, मतलब 3 इंटू 8 टर्म्स हो गया a 8। 25th टर्म था आप लिखते हैं a प्लस 24d से इक्वल्स टू 3 इंटू 8 टर्म्स हो जाएगा a प्लस 7d, तो हो गया a प्लस 24d इक्वल्स टू हो गया 3a प्लस 21d, ठीक है। मैं एक तरफ सबका ट्रांसफर कर ले रहा हूँ, ये बन गया आपका देखिए a प्लस 3a था माइनस 3a
इक्वल्स टू 21t माइनस 24t, a माइनस 3 हो गया माइनस 2a इक्वल्स टू माइनस 3d, माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो यहाँ से 2a इक्वल्स टू 3d वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब क्या काम करते हैं, इक्वेशन आंसर में a का वैल्यू निकाल लिया रहता है, ज़्यादा बेटर होगा। सो a इक्वल्स टू 15 माइनस 6d, इक्वेशन वन। तो वैल्यू अगर पुट कर दें हम यहाँ पे 2 इंटू a, और a का वैल्यू मिला था मुझको 15 माइनस 60, 15 माइनस 60 इक्वल्स टू 3d, तो बन गया अलग 30 माइनस 12d इक्वल्स टू 3d, या फिर माइनस 12d माइनस 3d इक्वल्स टू माइनस 30, माइनस 15d इक्वल्स टू माइनस 30, या फिर d का वैल्यू मिल गया 30 बाय 15, या फिर d का वैल्यू मिल गया 2। वंस आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाता है, आप a निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या था, 15 माइनस 60, या फिर 15 माइनस 6 इंटू 2, 15 माइनस 12 3। तो आपको a और d दोनों का वैल्यू मिल गया। वंस आपको a और d मिल जाता है, आप ए पी लिख सकते हैं। देयरफॉर द ईपी इज, फर्स्ट टर्म था आपका 3 प्लस कॉमा, सेकेंड टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, 3 प्लस 2 बन गया 5, फिर 7, फिर 9, और इस तरह चलता रहेगा। हेंस पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 4m² माइनस m, इफ द nth टर्म इज 107, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ऑल्सो फाइंड द 21st टर्म ऑफ दिस ए पी, सी बी सी 2013 क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, बस nth टर्म के जहाँ पे m कर दिया बस। तो सॉल्यूशन देखिए, nth टर्म आपको दिया 4m² माइनस m, m थ्री मीन्स मैं a m लिख सकता हूँ, m थ्री टर्म हो गया 4m² माइनस m। तो अगर मैं n m का अलग अलग वैल्यू एज्यूम करूँ, वैन m इक्वल्स टू 1 एज्यूम किया, तो मिल जाएगा a m के जहाँ पे a 1 हो जाएगा, ए वन इक्वल्स टू 4m² था, मीन्स 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1, या फिर 4 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 3। जब मैं m का वैल्यू एज्यूम करूँ वैन m इक्वल्स टू 2, m का वैल्यू जब मैं 2 एज्यूम कर रहा हूँ, तो मिल जाएगा a 2, a 2 मीन्स 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2, 4 इंटू 2 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 माइनस 2, 16 माइनस 2 हो गया 14, ये मिल गया m का वैल्यू जब 2 था। तो a1 a2 मिल गया आपको, अगर आपको a1 a2 मिल गया, सॉरी मैं गड़बड़ कर दिया, nth टर्म नहीं बोला था, सम बोला था, एस एम, एस एम इक्वल्स टू 4m² माइनस m, वैन m इक्वल्स टू 1, s1 का वैल्यू मिल गया आपको 3, और s1 इक्वल होता है a1 के साथ, ठीक है। एंड वैन m इक्वल्स टू 2, s2 इक्वल्स टू मिल गया आपको 14, और s2 इक्वल होता है, s2 इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 इक्वल्स टू 14, और a1 का वैल्यू आपको मिला था 3, दैट मीन्स 3 प्लस a2 इक्वल्स टू 14 और a2 इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो आपको a1 और a2 का वैल्यू मिल चुका, अगर आपको a1 a2 का वैल्यू मिल चुका तो आप d निकाल सकते हैं, d का वैल्यू होगा a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू 11, सो 11 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो जब आपको a और d सब मिल गया, अब देखते हैं हम nth टर्म पे आते हैं, nth टर्म इज 107 और 2, ओके, nth टर्म इज 107, an इक्वल्स टू 107। अब an का फॉर्मूला क्या आता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 107, ठीक है। तो a का वैल्यू आपको मिल चुका था 3, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू था 8 इक्वल्स टू 107, तो ये हो गया 3 प्लस 8 n माइनस 8 इक्वल्स टू 107, ठीक है। तो अब आपको मिल गया 8 n माइनस 5 इक्वल्स टू 107, देखिए 3 माइनस 8 माइनस 5 हुआ, माइनस आ जाकर प्लस 5 हो गया, 8 n इक्वल्स टू 107 प्लस 5, और 8 n इक्वल्स टू 112, और n इक्वल्स टू 112 बाई 8, सो 8 वन जा 8 एंड 3 8 4 जा 32, सो n इक्वल्स टू 14,
ठीक है, सो देयरफॉर एन इक्वल्स टू 14 आ गया आपका एक वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला तो फाइंड द 21st टर्म। 21st टर्म मीन्स a21 मीन्स a प्लस 20b, क्योंकि आपको a का वैल्यू मिल गया है 3 प्लस 20 इंटू डी, और d का वैल्यू आपको मिल चुका है 8, क्योंकि 3 प्लस 160 इक्वल्स टू 163। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ लाइन 9 लाइंग बिटवीन 400 800। तो आपको 400 से, अच्छा देखिए, बिटवीन बोला तो आप 400 इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूडिंग 400, डेट मीन्स यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 401। तो आपको चेक करना है कि 400 के बाद पहला कौन सा नंबर है जो कि 9 से डिवाइड होता है, मल्टीपल ऑफ 9 वही है। ठीक है, तो चेक करते हैं, 400 के बाद पहला नंबर आपका है 401। देखते हैं 401 क्या 9 से डिवाइड हो रहा है। 9 4 36 41 अगर 9 4 5 रिमाइंडर आ जा रहा है, मतलब नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 402 डिवाइडेड बाय 9, 9 4 36 42 9 4 36 6 आ जा रहा है, नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर 403 404 405 चेक करेंगे आप, 9 9 4 36 4 5 9 5 45। That means first number between 400 and 800, which is divisible by 9, is 405. उसका last check कीजिए, last 800 है तो आप 800 नहीं, उसके नीचे 799 check करते हैं, 799 divided by 9 check करते हैं। तो 9 6 72, ठीक है, 7 9 6 72 आया 7, नहीं हो रहा। रिमाइंडर 7 आ रहा तो आप समझ लीजिएगा कि 7 के आसपास नीचे आने से डिवाइड होगा। तो और एक आते हैं कम, 792 में चेक करते हैं, ठीक है, 792 में चेक करते हैं। देखिए रिमाइंडर 7 था तो मैं 7 से माइनस कर दिया, 792 आ गया। 9 6 72 72 6 72 मीन्स फर्स्ट नंबर बिटवीन 400 एंड 800, जो कि डिवाइड होता है 9 से, वो 405 है, 405, और लास्ट नंबर आपका 792, याद रखिएगा। सो फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन देखते हैं, फर्स्ट नंबर बिटवीन 400 एंड 800 डिविजिबल बाय 9 इज, मिल गया आपको 405। उस तरह लास्ट नंबर बिटवीन 800 डिविजल बाय 9 इज 792। ठीक है, क्योंकि आपको फर्स्ट और लास्ट मिल गया तो उसका चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखिए तो फर्स्ट टर्म को आप डिनोट करते हैं ए से, ए का वैल्यू मिल गया 405। लास्ट टर्म आप डिनोट करते हैं ए एन से, ए एन का वैल्यू हो गया 792। और आप चेक करें डिविजिबिलिटी बाय 9, मतलब डेट मीन्स द कॉमन डिफरेंस मस्ट बी इक्वल्स टू 9, और आप निकालें नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एन। तो ए एन का फॉर्मूला पुट करते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू 792 इक्वल्स टू ए का वैल्यू हो गया 405 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू हो गया 9। देखिए प्लस 405 इधर के माइनस हो गया, तो हो गया 792 माइनस 405 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 9। देख लेते हैं 792 माइनस 405 ये हो गया 812, ये हो गया 783 इक्वल्स टू एन माइनस 1 बाय 9। 9 मल्टीप्लाई हुआ इधर के डिवाइड हो जाएगा, तो एन माइनस 1 इक्वल्स टू 387 बाय 9। ठीक है, सो 9 4 36 टू 9 3 27, एन माइनस 1 इक्वल्स टू 43, और एन इक्वल्स टू 43 प्लस 1, सो देयरफॉर एन इक्वल्स टू 44। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मैं आधा क्वेश्चन किया हूँ इसमें, ठीक है, क्वेश्चन बोला था सम, लेकिन मैं सिर्फ एन निकाल के छोड़ दिया हूँ, तो आपको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर को। सम बोला है मीन्स एस एन निकालना पड़ेगा, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला जानते हैं, एन बाई टू इंटू 2a प्लस
एन माइनस वन इंटू डी, तो ये बन गया एस एन, दैट मीन्स एन 44, क्योंकि द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 44, एस 44 इक्वल्स टू एन बाई टू, मीन्स 44 बाई टू इंटू टू इंटू ए, और ए का वैल्यू हमको मिला था 405, प्लस एन माइनस वन मीन्स 44 माइनस वन इंटू डी, डी इज 9, ऑफकोर्स 9 का मल्टीपल हम चेक कर रहे हैं, तो ये बन गया 22 इंटू, ये बन गया 810 प्लस 43 इंटू 9, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट विल योर रिक्वायर्ड आंसर। सो अगेन पॉज द वीडियो टू नोट नो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द ए पी 9, 17, 25 डॉट सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गेट ए सम ऑफ 450। तो बेसिकली आपको एस एन दे दिया, डेट मीन्स द सम मस्ट बी इक्वल्स टू 450, और आपको निकालना है यहाँ का एन कितना टर्म्स होगा, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्यूशन, जो ए पी गिवन है मैं लिख ले रहा हूँ एक बार, 9, 17, 25 एंड सो ऑन। तो यहाँ से आपको ए का वैल्यू मिल जा रहा है कि ए का वैल्यू 9 है, और डी आप निकाल सकते हैं ए टू माइनस ए वन मीन्स 17 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 8। ए और डी आपको मिल गया, ए का वैल्यू 9 हो गया, डी का वैल्यू 8 हो गया। एंड वन मोर थिंग इज गिवन, दैट इज एस एन इक्वल्स टू 450। तब हम एस एन का फॉर्मूला पुट करते हैं और एन निकालने की कोशिश करते हैं। एस एन का फॉर्मूला आता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 450। क्योंकि मुझको एन का वैल्यू नहीं पता निकालना है, तो एन बाई टू इंटू टू इंटू ए, टू इंटू ए का वैल्यू हो गया 9, प्लस एन हमारा अननोन है एन माइनस वन, और डी का वैल्यू हो गया 8 इक्वल्स टू 450। देखिए टू इधर मल्टीप्लाई हो जाए कि जाके सॉरी डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा एन इंटू टू इंटू 9 18 प्लस 8 इंटू एन 18 माइनस 8 इक्वल्स टू 2, इधर डिवाइड होता है मल्टीप्लाई हो गया 450 इंटू 2 900, ठीक है। तो अभी आपको मिल गया एन इंटू ये हो गया, देखिए 18 माइनस 8 हो गया 10, 10 प्लस 8 एन इक्वल्स टू 900। चलिए एन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन गया 10 एन प्लस 8 एन स्क्वायर इक्वल्स टू 900। सबको इक्वल ट्रांसफर करते हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा 8 एन स्क्वायर प्लस 10 एन माइनस 900 इक्वल्स टू 0। सब में आपको कॉमन दिख रहा होगा कि सर टर्म में 2 कॉमन है, तो टेकिंग 2 कॉमन वी गेट 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 450 इक्वल्स टू 0। 2 मल्टीप्लाई हुआ था जगह डिवाइड हो गया 0 बन गया, तो ये बन गया 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 450 इक्वल टू 0। अब जनरली इतने बड़े नंबर को स्प्लिट करना बड़ा मुश्किल का बात है, तो आप इसलिए अब जा सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डेट इज एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाई 2 ए। तो पहले मैं डी निकाल लेता हूँ, डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बी, और यहाँ पे बी का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 4 है, और सी का वैल्यू है माइनस 450। देखिए बच्चे जनरली ये माइनस साइन देना भूल जाते हैं, और सी का वैल्यू 450 लिख के गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। आपको इसका ध्यान देना है, 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 4 जा 16 माइनस 450 था माइनस माइनस प्लस इंटू 450, सो 16 इंटू 450 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 16 इंटू 450 30038 देन 6 4 24 4 2 6 0 12 7 20, ठीक है। तो आपको ये मिल गया 25 प्लस 7 200, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 7225, जो कि आपका डी का वैल्यू है। वंस आपको डी मिल गया, तो अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए वेरिएबल यहाँ पर एन है, तो एन इक्वल्स टू लिखेंगे आप, ठीक है। जनरली हमको फॉर्मूला पता है एक्स इक्वल्स टू, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल जो वही लिखना है, तो वेरिएबल यहाँ पर एन है, तो एन इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ डी बाई टू ए, एंड विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी, और इस इक्वेशन में बी का वैल्यू था 5, तो माइनस 5 प्लस माइनस रूट ओवर 7225 बाय 2 इंटू ए, डी का वैल्यू 7225 निकला था और ए का वैल्यू 4 था, माइनस 5 प्लस माइनस, इसका रूट निकाल सकते हैं आप 7225,
root is 8, 9, it is 85 by 8. एक में वैल्यू प्लस लेंगे और एक में माइनस ले जाएंगे, ठीक है? तो एक हो जाएगा माइनस फाइव, आइदर एन इक्वल्स टू माइनस फाइव प्लस 85 बाई 8 और एन इक्वल्स टू माइनस फाइव माइनस 85 बाई 8. एन इक्वल्स टू माइनस फाइव प्लस 85 इज 80 बाई 8 और एन इक्वल्स टू माइनस 90 बाई 8. सो एन कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये चीज़ तो हो ही नहीं सकता. 80 बाई 8 तो एन इक्वल्स टू 10. सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर. सो पॉज द वीडियो, नोट डाउन. देखिए एक फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, टेस्ट बुक क्वेश्चन है, तो एग्जाम में भी आ चुका है 2012. ध्यान समझिएगा कि विच टर्म ऑफ द एपी 121 117 130 113 सो ऑन इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म. ठीक है, पहला नेगेटिव टर्म कौन सा है? तो आप जानते हैं पहला नेगेटिव टर्म कम कौन सा होगा जो जीरो के बाद होगा. देखिए क्योंकि यहाँ पे एपी जो कॉमन डिफरेंस वो नेगेटिव है, कम होते हुए चला एपी आपका 121 से 117 हुआ, फिर कम हो गया 130 हुआ, इस तरह कम होते होते हुए जाएगा. कब एक जो फर्स्ट टर्म आएगा जो नेगेटिव होगा वो होगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म. ठीक है, तब उसको कैसे निकालेंगे? आप ये एज्यूम करके चलेंगे कि इस एपी में कहीं ना कहीं जीरो आ रहा होगा और आप एज्यूम कर लेंगे कि लेट ए एन इक्वल्स टू जीरो. हम एन को जीरो एज्यूम कर लेते हैं, पर जीरो श्योर नहीं आएगा इस एपी में. अगर आ भी गया जीरो तो जीरो के बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा वो आपका क्या होगा? नेगेटिव टर्म. समझ रहे ना बात? अगर मैं एग्जांपल तो माइनस 10 देन माइनस 8 माइनस 6 देन माइनस 4 माइनस 2 देन जीरो एंड आफ्टर जीरो द टर्म इज, सॉरी मैं एपी यहाँ पे नेगेटिव से स्टार्ट कर दिया. अगर 10 8 6 4 2 0 और जीरो के बाद जो नेक्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा. तो आप एज्यूम करके चलते हैं कि मान लेते हैं हमारा एंथ टर्म क्या है, जीरो है. अगर आपको एन होल नंबर मिल जा रहा है तो ठीक है, इट इज़ अ देन आफ्टर दैट इट इज़ अ प्लस वन कर देंगे, आपको नेगेटिव टर्म मिल जाएगा. नहीं तो अगर आपको एन पॉइंट्स में मिला है या फ्रैक्शन से मिला है, सपोज मुझको मिला 23.4, तो 23.4 कोई सा टर्म हो नहीं सकता क्योंकि टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स मस्ट बी इन होल नंबर. तो 23.4 के बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर होता है होल नंबर? 24. डेट मीन्स 24 विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस है कि विच इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. तो लेट अस अज्यूम दैट द nth टर्म इज इक्वल टू जीरो. हम nth टर्म के लिए निकाल रहे हैं. उससे पहले ए पी आपको दिया है, उसमें ए का वैल्यू दे दिया 121, कॉमन डिफरेंस होगा 117 माइनस 121 विच इज इक्वल टू माइनस 4. सो ए एन इक्वल्स टू जीरो और ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो. ठीक है, ए का वैल्यू आपको दिया था 121 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू दे दिया माइनस 4 इक्वल टू जीरो. ठीक है, प्लस 121 उधर के बन गया माइनस 121, तो बन गया एन माइनस वन इंटू माइनस 4 इक्वल टू माइनस 121 या फिर एन माइनस वन इक्वल टू माइनस 121 में माइनस 4 माइनस माइनस कट गया तो आपको मिल गया एन माइनस वन इक्वल्स टू. देखिए अगर इसको हम डिवाइड करें तो एक पॉइंट में आएगा सिर्फ, क्योंकि 3 4 12 30.25 समथिंग. ठीक है, तो आपको पता चला या फिर एन इक्वल्स टू क्या हो गया 31.25, मतलब इट कैन नॉट एग्जिस्ट. 31.5 का भी एग्जिस्ट कर नहीं सकता, मतलब इसके बाद वाला जो टर्म है वो पक्का श्योर नेगेटिव टर्म है. सो देयरफॉर द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज is the term which after 31.25 that is 32. So 32th term जो होगा वो आपका first negative term होगा. So this is required answer. Pause the video to note it down.